हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एंड दिस इज ज्योति। सो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट के रिव्यू। सो यहाँ पे मेरे पास 3 प्रोडक्ट है। मेरे पास फेस वॉश, स्क्रब एंड पैक है। सो ये स्किन एंड बॉडी पे दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं इस वीडियो पे ही ऐड करूँगी। सो मैं इसका फुल ऑफ डिटेल्स आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। आई नो कि ये बहुत पहले आ चुका है, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आए तो प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। और प्रोडक्ट का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वाओ ब्रांड की ऐप पे भी जा सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। अगर आप ऐप के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्काउंट डील्स होते ही रहते हैं, तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। या तो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे मिल जाएगा, तो मैं सभी का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इजीली बाइंग कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट है ये फेस वॉश, ओपटेन फोमिंग फेस वॉश विद बिल्ड इन फेस ब्रश फॉर डीप क्लींजिंग। सो इसमें एक ब्रश भी मिल जाता है, गाइस कुछ इस तरीके का सिलिकॉन ब्रश भी मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी तरह से डीपली क्लींज कर देता है आपका स्किन को, जितना भी ऑयल डर्ट्स है वो अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। इसका की इंग्रेडिएंट चिका बी फ्लोर्स, टर्मरिक सैफ्रॉन, आलमंड है, आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर एंड सैलनहुड ऑयल है इसमें। सो इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही आपके फेस के लिए बहुत ही सेफ रहेगा, कोई भी हार्मफुल नहीं होगा। एंड इसमें क्योंकि पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन कलर फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। एंड गाइस, ये नेचुरलिटी इसका 98.1% है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट है। इवन ये अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन साइन। एंड ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड भी है, हेल्प्स क्लीन एंड क्लेरिफाई कॉम्प्लेक्शन, एंड ये मेड इन इंडिया है एंड सेफली यूज़ कर सकते हो। इसका नेट क्वांटिटी 100 ml का है, जो कि आपको 399 इसका MRP है, ऑब्वियसली आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। एंड इसका सेल्फ लाइफ और 2 साल में यूज़ कर सकती हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा है, डू नॉट थ्रो द बॉटल, रिसाइकलिंग आप कर सकते हो। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। चलिए मैं आपको इसका इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ। सो गाइस, मैंने पहले भी आप लोग के साथ में वो के प्रोडक्ट मैंने बहुत सारे शेयर किया हुआ है, जो कि ऑयल, शैम्पू, मास्क और फेस पैक एंड सेम फेस वॉश, लेकिन वो ऑरेंज था, मैं अभी भी उसे यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे वाओ के प्रोडक्ट का रिव्यू किया हुआ है, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इनकेस अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो थोड़ा बहुत आप वहाँ से भी जानकारी मिल सकता है, तो आप इजीली बाइंग कर सकते हो। तो गाइस, बॉटल आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक कैप भी है, जो कि अगर आप इसे यूज़ करेंगे उसके बाद, इसे वॉश करने के बाद, कि आप इसमें अटैच करके रख सकते हैं ताकि धूल मिट्टी इसमें कुछ भी ना लगे। एंड गाइस, ये वाला ब्रश जो है वो सिलिकॉन ब्रश है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है। इवन आपको थोड़ा सा एक्नी प्रॉन स्किन है तभी भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चुभेगा नहीं, आपको फेस में कुछ भी हार्म नहीं होगा। इवन आपको फेस बहुत ही अच्छी तरह से डीपली क्लींस करता है। तो गाइस, ये यूज़ करने के बाद में आपको यहाँ से इस तरीके से निकालना है एंड इसे भी अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए एंड देन यहाँ पे फिर से इस तरीके से अटैच कर लीजिए। उसके बाद आपको ये फिर से कैप लगाना है इस तरीके से, करने से बहुत ही अच्छा क्लीन और सेफली रहेगा। और गाइस, या कुछ इस तरीके का है, यूज़ करने से पहले आप बहुत ही अच्छी तरह से शेक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। फेस वॉश के बाद मेरे पास है यहाँ पे वाओ ओपटेन फेस एंड बॉडी स्क्रब, एंड इसमें भी सेम की इंग्रेडिएंट है एंड ये हेल्प्स टू स्मूथ, सॉफ्ट एंड रिवीलिंग डल स्किन। एंड ऑब्वियसली ये तो स्क्रब है, तो डल स्किन को भी अच्छी तरह से रिमूव करेगा। आपको अगर ब्लैक एंड व्हाइटेड है फेस में तो वो भी सॉफ्टन अप करता है, तो ताकि ईजिली वो रिमूव हो जाए और छोटा छोटा जो बम्प रहता है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्टन अप कर देता है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा बबल्स टाइप में है, जो कि स्क्रब करने के बाद में मेरा स्मूथ हो जाता है मेरा स्किन, तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से मेरे फेस में वॉक किया है। ये ओपटेन रेंज का प्रोडक्ट आप
आप ऑल स्किन टाइप में यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपका ओवरली सेंसिटिव स्किन है तो एक बार पैस टेस्ट ज़रूर कीजिए। एंड देन ये 200 ml का इसका क्वांटिटी है, 399 इसका प्राइस है। करने के बाद में आप टॉवल ड्राई मत कीजिएगा फेस को, थोड़ा सा वेट ही रहने दीजिए। उसके ऊपर हम ये पैक अप्लाई करेंगे। मैं पहले इसको ओपन करके दिखाऊंगी। सो गाइस, इन अ पैकेजिंग कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है तो ये आप इजीली बहुत टाइम तक चल जाएगा। अगर स्क्रब कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, वाइट पेस्ट में आपको छोटा छोटा ब्लैक बीड्स मिल जाएगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बीड्स है, आपको फेस में चुभेगा नहीं और बहुत ही ईजिली आपको ब्लेंड कर सकते हो। आपको फेस में, नेक पे, बॉडी पे, जहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फेस एंड बॉडी के लिए है। तो अगर आप ब्राइड हो तो आप इस किट को यूज़ कर सकते हो। वैसे भी नेक्स्ट मंथ से ब्राइडल सीजन है तो आप इसे उपटन रेंज लेके आप घर पे ही स्किन एंड बॉडी केयर कर सकते हो। स्क्रब करने के बाद में अगर आपके पास स्टीम है, स्टीम देना चाहते हो, फेस बॉडी पे भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट स्क्रब करना है। 3 मिनट्स तक आपको स्क्रब करना है एंड देन 2 मिनट्स आपको स्टीम देना है। उसके बाद आप ब्लैकेट वाइटर जो भी रिमूव करना चाहते हो वो कर सकते हो एंड देन उसके बाद वाटर से क्लीन कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ड्राई कीजिए अपने फेस को, क्योंकि इसके ऊपर हमें पैक लगाना है तो ड्राई स्किन के ऊपर में पैक लगाने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो नेक्स्ट है मेरे पास फेस एंड बॉडी पैक है, इसमें भी सेम इंग्रेडिएंट है। सो सारे ओपटेन रेंज में सेम इंग्रेडिएंट है। सो हेल्प्स टू टोन, रिफिलिंग पोर्स एंड रिविलिंग डल स्किन। सो ये ऑब्वियसली आपको स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करेगा एंड आपका जितना भी थोड़ा अनइवन टोन है वो इवन आउट करेगा एंड आप थोड़ा सा ब्राइट फील करोगे, क्योंकि इसमें टर्मरिक है और सैफ्रॉन है। तो इसमें भी आपको 200 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है एंड ये 499 rupees इसका MRP है। तो इनर पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है। आपके प्रोडक्ट अभी जो जितने भी आ रहे हैं वो अगर आप ऐप के थ्रू बाइंग करेंगे तो यहाँ पे आपको बार कोड में मिल जाएगा। आपको फेस वॉश में, यहाँ पे देख सकते हो, फेस वॉश में, स्क्रब में, सभी में आपको बार कोड मिल जाएगा। तो वो बार कोड अगर आप वहाँ पे स्कैन करोगे तो कुछ ना कुछ ऑफर और डील्स मिलते रहता है, तो आप इस तरीके से ऐप के थ्रू कर सकते हो। सो गाइस, अंदर में आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा पैक एंड ये बहुत ही अच्छा, एक इसका फ्रेग्रेंस भी सेम टर्मरिक एंड सेफ्रॉन का ज़्यादातर स्मेल आ रहा है, एकदम कच्चा हल्दी होता है ना उस तरीके का स्मेल है। एंड इसका पेस्ट आप देख सकते हो, वाइट एकदम प्लेन पेस्ट है, ये एक्चुअली वाइट नहीं है, क्रीम कलर का पेस्ट है। तो इसमें आपको एक एप्लीकेटर मिल जाएगा, भी आपको सिलिकॉन एप्लीकेटर है, ये ब्रश नहीं है, कुछ इस तरीके रबर टाइप का सिलिकॉन है। इससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, स्मूथली अप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ब्रश में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट सोक कर लेता है एंड ये क्योंकि प्लेन है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होगा। एंड तो गाइस, अगर आप इन सारे प्रोडक्ट को लेते हो तो फेस वॉश आपको डेली यूज़ करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर बेड एंड देन आपको स्क्रबिंग वगैरह आपको 3 days, आपको मिनिमम 2 days का गैप होना चाहिए। तो अच्छा होगा कि आप वीकली वन करो स्क्रब एंड पैक फेस वॉश एंड वो आपको अच्छा स्किन केयर बनेगा एंड डेली वेयर में यूज़ नहीं करना है आपको स्क्रब पैक। यूज़ करने से पहले आपको प्रोडक्ट थोड़ा सेक कर लेना है एंड देन आपको फेस थोड़ा सा वेट करना है ताकि वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो इस तरीके से लेना है आपको एंड देन स्मज करना है, मतलब मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से। अच्छे से मसाज कर लेने के बाद आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे एंड आपको बहुत ही क्लीन लगेगा आपका फेस। सो करने के बाद मैं यूजुअली कभी भी हैंड से करती हूँ, क्योंकि ब्रश से आइस पे अच्छी तरह से क्लींस नहीं होता है, तो इसीलिए हाथों से मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे अपनी वेट फेस में ही स्क्रब अप्लाई करना है एंड देन अच्छी तरह से आपको मसाज कर लेना है। स्क्रब अपनी ज़्यादातर नोज़ को फोकस करते हुए, नोज़ एंड चिन को, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा ब्लैकहेड्स होता है। एंड देन आपको फेस 3 मिनट तक करना है आपको एंड
नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर लेना है। उसके बाद ये आपको हैंड बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि नेक में किसी किसी का डार्क होता है और एल्बोज पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो ये फेस एंड बॉडी के लिए, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो अप्लाई करना है, फेस वॉश नहीं, बस ये आपको अप्लाई करना है एंड देन अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद आप पैक भी लगा के रख सकते हो बॉडी पे भी। तो यहाँ पे मैं फेस में पैक लगा रही हूँ। तो ये ब्रश एप्लीकेटर से बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है। सो अप्लाई करने के बाद 10 मिनट तक वेट करेंगे एंड आपका फेस बहुत ही अच्छा स्मूथ एंड क्लियर लगेगा। सो गाइस, मैंने पूरा डिटेल से बता दिया जो भी मुझे पता था एंड मुझे जैसा लगा, एंड आपने वीडियो भी देखा कि कैसा स्टेप बाय स्टेप आप इसे कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा सजेशन यही है कि अगर आप ब्राइट हो तो इसमें आप जा सकते हो। प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनकेस अगर आप लोग को बाइंग करना हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली बाइंग कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ये वीडियो को, क्योंकि अभी ब्राइडल सीजन है, सभी स्किन केयर बॉडी केयर करना बहुत ज़रूरी है ब्राइडल सीजन में। तो इसीलिए चलिए मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में।